राजस्थान के भरतपुर से निकला बच्चा चोरों का जिन मथुरा आगरा और नोएडा होता हुआ महाराष्ट्र के मुंबई तक जा पहुंचा है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के सुभाष नगर इलाके की गली नंबर 12 में एक महिला पकड़ी गई है जिसे बच्चा चोरी के शक में पकड़ा गया है और ये बताया गया है उसके संबंध में कि वो सुबह से गलियों में घूम रही थी, एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश वो कर रही थी, तभी लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस स्टेशन MIDC में उसके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है और इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उनके साथ थाने में मौजूद रहे। उमाशंकर, गौतम, सागर, जगताप और प्रदीप आदि कई कार्यकर्ता थाने में मौजूद रहे। लोगों ने उसे पकड़ा गली नंबर 12 के पास शिव मंदिर के पास रंगे हाथ। महिला को पुलिस चौकी में सौंपने के बाद उसका ये बयान आया है कि अभी और 70 लोग पूरे सुभाष नगर में फैले हुए हैं जो उसी के ग्रुप के हैं और उसने ये कहा, बताते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बैठा सकती है पुलिस, जितना पैसा चाहिए मैं पुलिस को दे सकती हूँ। इस तरह की बातें उसके द्वारा कही जा रही हैं और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। मतलब कुछ लेडीज लोग थे, तो सुबह में 7 बजे ये लेडीज जो आई थी, क्या बोल रही थी, मतलब बच्चे लोग को देख रही थी, तो उधर सुबह 6-7 बजे का बात था, तो कुछ लेडीज लोग बोले चलो भाई मतलब दिमाग से ऐसा कम है, तो इसको ना बिस्किट विस्किट पूरा दिए, ये मतलब पागल जैसे इसको बिस्किट खा, भूख लगी हुई इसके से। तो वहाँ रुकने के बाद कुछ बच्चे मतलब तभी भी बच्चे लोग को देख रहे थे, तो 1-2 जन शायद से कोई अभी ध्यान में नहीं आया फोन से, पर वो लोग उसको पकड़े कि भाई तू क्या 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 चाहिए तेरे को, क्या करने का है, तो वो बोले कि कुछ नहीं, मेरे को ऐसा मतलब ऐसा बहाना बना के भाग गई वहाँ से, सुबह में इग्नोर करके चली गई। फिर शाम में वही जगह पे आके बच्चे लोग का स्कूल, एक छोटा सा स्कूल है प्राइमरी स्कूल मतलब KG का, उधर खड़ी थी। अब उधर जो लेडीज जो अंदर विटनेस थी वो बोले कि ऐसे ऐसा वो बात बोल रही थी कि आज मैं बच्चे लोग मतलब बच्चे लोग देखे मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। उसके पास फोन था कि उसने खाली ऐसे ही बोला, अपने में बड़बड़ा रही थी। 3-4-5 उधर लोग थे, लड़के लोग थे, तो लोग ने बोले कि भाई ऐसा बोल रही है, तो एक बच्चे को लेके जाने के ये कर रही थी, हाथ पकड़े तो उधर ट्राई कर रही थी, तो उधर लड़का एक था हम लोग के ग्रुप का, उसने बोला कि भाई ये इधर का तू किधर लेके जाए, तो उतने में पकड़े सब जन जमा होके, फिर उसको लेके कुछ लेडीज़ लोग उधर पकड़ के उसको पूछे ऊँचे भी, तो बता रही कांदीवली रहती है, पवई रहती है, कभी बता रही घाटकोपर रहती है, मतलब ऐसा 10 जगह बता रही थी। तो उन लोग ने मारा, मारने के बाद कुछ 4-5 लेडीज़ तो उसको पकड़ के, हमारा शिव शक्ति मित्र मंडल है तो उधर मंदिर है शिव जी का, तो बड़ा सा मंदिर है उसमें लेके उसको गए, पूरा मतलब बंद करके उधर पूछने लगे, तो ऐसा ऐसा बोलने लगे कि कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस लोग, पुलिस बोल रहे पुलिस ज़्यादा ज़्यादा 2-3 घंटा बिठाएगी चाहे छोड़ देगी, नहीं तो 1-2 दिन रखेगी, ठीक है, मेरा 80 लोग का ग्रुप है, मैं अंदर रहेगी तो वो लोग अपना काम करेंगे, ऐसा सीधा सीधा बात बोल। इसके बाद आपने फिर क्या किया पुलिस में? पुलिस को कॉल किया, उसका बैग वैग चेक किया, तो आधार कार्ड में से निकला वेस्ट बंगाल के, मतलब ऐसा एड्रेस दिखा रहे वेस्ट बंगाल, मेडिसिन ऐसा मतलब खून के जैसे मतलब कुछ मेडिसिन है, मतलब ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई खून है के क्या कुछ है, केमिकल 3-4 थैली में लपेट के अंदर था, अब उसके अंदर से कुछ मेडिसिन मतलब ऐसा कुछ निकला है। तभी भी उधर लेडीज लोग पूछे भी, उसने मतलब पूछने के बाद लेडीज लोग पूछे तो लेडीज लोग पे भी हाथ उठे। अच्छा, ये मामला मतलब सुबह से ही चल रहा है? सुबह से चल रहा है, सुबह मॉर्निंग से चल रहा है, सुबह से चल रहा है। इसमें आपको कोई समर्थन किया आकर के यहाँ पर? कोई समर्थन किया आपको पुलिस स्टेशन पे आकर के? अभी पुलिस लोग आए थे, 2 पुलिस आई थी, तभी से अंदर कम से कम 3 घंटा हम लोग मंदिर में ही थे, इतनी पब्लिक लोग की भीड़ थी, मतलब समझो 1,800-1,900 पब्लिक उधर पूरा जमा उधर पब्लिक। उसके रिलेटिव यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या कहा जब कि FIR पुलिस पहले नहीं लिख रही थी? उसके बाद क्या रिलेटिव बोल रहे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको जानते नहीं, एक इंसानियत के नाते हम लोग रखा था, अब वो कौन है क्या है हम लोग को भी पता नहीं, हम लोग का रिलीजन में नहीं, सीधा वो बोल के गए। तो आपकी मदद करने सेवा समाज करने वाले श्री गौतम जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे को सूचना मिली कि एक लड़की को पकड़े हैं और एक लेडीज को पकड़े हैं, उनके अंतर्गत में यहाँ पे पुलिस चौकी लेके आया गया है पुलिस के द्वारा, मेरे को मालूम पड़ा तो मैं पुलिस में आया और पुलिस वालों से मैंने पूछा कि ये क्या है, बताया गया कि किसी लड़की को पकड़ रही थी ये महिला,
महिला के द्वारा ये बच्चे पकड़ रहे थे उसी का यहाँ पे लेके आए हैं। मैंने पुलिस वालों से अनुरोध किया कि इसके ऊपर FIR किया जाए और इसको सही न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा कहना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। FIR कॉपी कब तक आपको देने के लिए बोला उन्होंने? क्या मामला क्या था? 6 बजे वो औरत मेरे घर में आई और मुझे पूछ रही लड़के का टिफिन करी हो गया। मैं बोली आपको कैसा पता चला मेरे घर में लड़का है? तो मैं बोली तू जा करके अभी इधर से। बोले मैं खड़ी हूँ। मैंने खड़ी कौन से सब से तू मेरे दरवाजे में खड़ी रह रही है? तो बोलते मैं बस ऐसे पूछ रही हूँ। मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ क्या? तो मुझे सामने से बता रही है कि मुझे पकड़ेगी क्या, और भी जन को पकड़ेगी। मेरे साथ 70 जन है। अच्छा, उसने ऐसा बयान दिया कि मेरे पास 70 लोग हैं मेरे पास? सामने से बोली और मेरे दरवाजे से जाने के बाद और 5-6 दरवाजे में वो लगभग औरत 2-3 मिनट तो खड़ी थी हर एक जन के दरवाजे में। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? करना ही है। हम लोग के बच्चे लोग सेफ्टी रहना चाहिए, हम लोग के बच्चे लोग के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।